और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है वो मुंबई पहुंच चुके हैं हयात होटल। थोड़ी देर में सीएम केजरीवाल भी पहुंचेंगे मुंबई। तो इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए 68 नेताओं का जमावड़ा लगा है, 68 नेताओं का। आप सोचिए, बड़े नेता हैं और इनका दावा है कि देश का कुल मिलाकर ये 60% से ज्यादा वोट शेयर अगर ये सभी साथ में आ जाते हैं तो इनके पास है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी अगर मीटिंग में है तो आप इसके महत्व को समझ सकते हैं। राहुल गांधी, पिछली बार राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब थे, इस बार सोनिया गांधी, तो ये आप इसकी इंपॉर्टेंस को, इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। और लगातार दल बढ़ रहे, तस्वीरें हम उस वक्त की भी दिखा रहे हैं जब राहुल गांधी पहुंचे थे, तो सोनिया गांधी को भी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण आपको हम दिखा रहे हैं। और बलराम लगातार हमारे साथ, हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से अपडेट्स दे रहे हैं। बलराम, बहुत महत्वपूर्ण, सोनिया गांधी भी इस मीटिंग में, राहुल गांधी तो खैर पहले भी थे, और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ देर में पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों नेता हयात होटल पहुंच गए हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे भी अभी अभी हयात होटल पहुंचे हैं और कुछ ही देर में राहुल गांधी की जो प्रेस वार्ता है वो हयात होटल में शुरू होगी। और ये भी माना जा रहा है कि इस प्रेस वार्ता के ज़रिए वो इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें क्या कुछ खास तय होने वाला है ये भी बताएंगे, और साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरीके से जो इंडिया गठबंधन का कुनबा है वो बढ़ रहा है, क्योंकि कई क्षेत्रीय दल लगातार इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ वो जुड़े और जुड़कर 2024 का चुनाव लड़े। हालांकि जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, उन्होंने तो अपील की है, जो भी विपक्षी दल हैं जो इस देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस देश के संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक छाते के नीचे आना चाहिए और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से देश की जनता को निजात दिलाना चाहिए। ये अपील राघव चड्ढा ने की और कहा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है उसको लेकर के बीजेपी और एनडीए में कहीं ना कहीं घबराहट साफ देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा बैठक में तय होगा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन का लोगो होगा, किस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो बैठक के दौरान अपनी बातों को रखेंगे। और उन्होंने कहा जो कुछ भी 2024 के चुनाव को लेकर के तय होगा वो इंडिया गठबंधन के अंदर ही तय होगा, बाहर कौन क्या बयान दे रहा है उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर के पार्टियों के नेताओं ने बयान दिया कि वो चाहते हैं कि हमारा नेता प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो भी उम्मीदवार होगा वो इंडिया गठबंधन के अंदर बैठक के दौरान सर्वसम्मति से तय किया जाएगा। बलराम, आप रहिए, एक अपडेट आ गई है। बिल्कुल, पीएम के चेहरे को लेकर तो बच रहे हैं बोलने से, लेकिन एक अपडेट आई है वो बता देते हैं, फिर हम इस पर और बातचीत करेंगे। कुनबा बढ़ रहा है, आप हम यहाँ पर जिक्र करें टीम इंडिया का। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन से एनडीए और बीजेपी घबरा गई है। राघव कहते हैं कि बीजेपी और एनडीए में हिम्मत है कि वो ये कह सके कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री होने चाहिए या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होने चाहिए। ये जवाब उस सवाल का जिसमें बार बार टीम इंडिया की तरफ से पीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर वो जवाब देते हैं। एक फॉर्मेटेबल चैलेंजर है जिसको लेकर बीजेपी डरी हुई है, और इंडिया में बड़े काबिल लोग भी हैं। हर शख्स अपने आप में एक सफल एडमिनिस्ट्रेशन चलाकर अपना एक सक्सेस एस्टैब्लिश कर चुका है। आज इंडिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि एनडीए के अंदर कोई ऐसा नेता है जो खड़ा होकर ये कह सकता है कि हम चाहते हैं कि नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बने, या कोई खड़ा होकर ये कहे कि हम चाहते हैं योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बने, या कोई कहे कि ये डीएमके या चिराग पासवान की पार्टी का कोई शख्स प्रधानमंत्री बने, वो तो इन बातों के बारे में जिक्र भी नहीं कर सकते, चूं भी नहीं कर सकते। तो जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे बलराम, सवाल का जवाब भी सवाल से ही दे दिया, और सवाल ऐसा कि बहुत महत्वपूर्ण, अगर पब्लिक डोमेन में जाए तो, कि जो एनडीए बार बार पूछती है कि इनका चेहरा कौन होगा, ये म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं या बहुत सारे दूल्हे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स आपने भी सुने होंगे ग्राउंड पर।
तो ये सवाल तो वाजिब है कि फिर बीजेपी में भी तो ये सवाल, बीजेपी से भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं जो राघव चड्ढा कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राघव चड्ढा ने कहीं ना कहीं इशारों इशारों में कई सवाल बीजेपी और एनडीए पर दागे, और उन्होंने जो सवाल बीजेपी और एनडीए कर रही थी कि आखिरकार इस इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो चर्चा हो रही है, हमारे यहाँ तो लोग चेहरों पर बात रख रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, ये प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन क्या बीजेपी और एनडीए में ये ताकत है किसी नेता के अंदर जो वो कह सके कि नितिन गडकरी क्या प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, या कोई अन्य नेता प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकता है? नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर अभी भी लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के जरिए जो भी गठबंधन का हिस्सा दल है वो अपनी बात को रख सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, पार्टी किस तरीके से चुनाव लड़ेगी, किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा, क्योंकि जो फार्मूला तय हुआ है वो 1-1 का हुआ है, यानी एनडीए के सामने इंडिया गठबंधन का एक ही प्रत्याशी उतरेगा, तो ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, यानी किस राज्य में किस पार्टी का अच्छा वर्चस्व है, उसको मद्देनजर रखते हुए सीटों का बंटवारा होगा। और सबसे बड़ी जो चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने वो यही है कि इस गठबंधन को मजबूत रखा जाए, यानी टूटने ना दिया जाए, और जो एकजुटता है वो बरकरार रहे। क्योंकि आप देखिए, बार बार भारतीय जनता पार्टी इसी बात पर हमला करती है कि चुनाव से पहले गठबंधन होता है, मीटिंगें होती हैं, लेकिन जब सीटों का बंटवारा होता है तो ये गठबंधन टूट जाता है। लेकिन इस बार जिस तरीके से नेता अपनी बात को गठबंधन के अंदर रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इस बार एकजुटता साफ नजर आ रही है। क्योंकि आप देखिए, केजरीवाल जी ने स्पष्ट कहा है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में ही नहीं है, वो प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी की जो मुख्य प्रवक्ता थी उन्होंने अपने दिल की बात कही कि वो चाहती हैं कि प्रधानमंत्री का चेहरा अरविंद केजरीवाल जी हों, लेकिन पार्टी ने स्पष्ट कहा कि ये उनकी निजी राय है, और अरविंद केजरीवाल जी कहीं भी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, वो राष्ट्रीय संयोजक बनने की रेस में नहीं है, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन का संयोजक है उसको भी तय करना है बैठक में। तो ऐसे में उन्होंने कहा, देखिए जो भी चीज़ें तय होंगी वो गठबंधन के अंदर तय होंगी, और शायद यही वजह है कि जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी उन अटकलों पर विराम देने के लिए राहुल गांधी प्रेस वार्ता कर रहे हैं, उनके साथ सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रेस वार्ता के जरिए भी कई संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। क्योंकि आप देखिए, तो बलराम एक चीज बताइए, क्योंकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, बलराम एक चीज बताइएगा, देखिए दो तीन सवाल है ना जो बिल्कुल घूम रहे हैं कि इस गठबंधन का संयोजक कौन होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन कौन से नेता होंगे, गठबंधन का लोगो कैसा होगा जिस पर आप बातचीत कर रहे हैं, गठबंधन का झंडा इसका भी जिक्र हो रहा है, और जो सीट्स हैं उसकी शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। एक चीज क्या ये देखें, जो आप कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहे थे, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इस अलायंस को लीड कर रही है, क्या ये मैसेज जा रहा है? देखिए, ये तो स्पष्ट हो गया कि जब बेंगलुरु की बैठक में सोनिया गांधी पहुंची, राहुल गांधी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, और जिस तरीके से प्रेस वार्ता के दौरान राहुल गांधी ने अपनी बात को रखा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बात को रखा, तो कहीं ना कहीं एक विपक्ष का सबसे बड़ा दल है कांग्रेस, तो ऐसे में कांग्रेस को दरकिनार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस प्रमुखता से इस इंडिया अलायंस को लेकर के चल रही है, और कहीं ना कहीं मजबूती के साथ लोगों को एक साथ रखने की उसकी जो कोशिश है वो भी लगातार दिख रही है।